सो हाय फ्रेंड्स, आई एम गगन और वेब स्लो में सबके एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने वूकमर्स चेकआउट फॉर्म को एडिट कर सकते हो, यानी कि आप चेकआउट फॉर्म के अंदर फील्ड को कैसे ऐड कर सकते हो और कैसे डिलीट कर सकते हो, और चाहे इसको कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। सो यहाँ से हमें एक प्लगइन को ऐड करना होगा चेकआउट फील्ड को एडिट करने के लिए। तो यहाँ से हम सर्च करेंगे चेकआउट फील्ड। सो वर्डप्रेस की ये खूबसूरती बोलिए या खासियत बोलिए, आप जिस भी सर्च टर्म के साथ किसी कीवर्ड को सर्च करते हो उसके रिलेटेड ही आपको वो प्लगइन या थीम या उसके रिलेटेड एलिमेंट मिल जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट प्लगइन है, इसको आपको यहाँ से इसको इंस्टॉल करना है, जिसका जो ऑथर है वो थीम हाई है। इसके बाद इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। सो एक्टिवेट करने के बाद आपके सामने यहाँ से लिस्ट के फर्स्ट नंबर पे ही आ जाएगा। डिपेंड करता है आपके पास कितने प्लगइन है। सो मेरे पास यहाँ से आ रहा है, इसकी मैं सेटिंग पे क्लिक करूँगा। सो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने वो सभी फील्ड आ जाती हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड है आपके फॉर्म के अंदर। अगर मैं आपको यहाँ से चेकआउट फॉर्म दिखाऊँ अपना, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास जितनी यहाँ से फील्ड है, फर्स्ट नेम से लेके चाहे ईमेल तक, वो सारी फील्ड यहाँ से चेक हुई पड़ी हैं, यानी कि वो सारी ही आ रही हैं। और इसके अलावा यहाँ से उन्होंने बता रखा कि किस में प्लेस होल्डर है और किस में रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, कि जो कि बनी बनाई फील्ड है उसको आप एडिट कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी फील्ड को यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम एक फील्ड को एडिट करके देखेंगे, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से चाह रहा हूँ कि मैं फ़ोन नंबर को यहाँ से एडिट करूँ। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से एडिट पेज पर क्लिक करूँगा। तो जब आप किसी फील्ड की एडिट पे क्लिक करते हो तो हर एक फील्ड की अपनी फंक्शनैलिटी के हिसाब से यहाँ से ऑप्शन आ जाती है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ से ऑप्शन आ रही है, टाइप नहीं आप चेंज कर सकते हो बनी बनाई फील्ड का। जरूर उस फील्ड को डिलीट करके नई वाली ऐड कर सकते हो, लेकिन बनी बनाई फील्ड की आप टाइप नहीं चेंज कर सकते। अगर वो फोन नंबर है तो वो फोन नंबर ही रहेगा। तो लेवल यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जैसे इसका फोन आ रहा है, हम यहाँ से फोन्स कर देंगे, या इसको मैं कर देता हूँ मोबाइल नंबर, जस्ट फॉर चेकिंग कि ये हमारा वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें हम यहाँ से प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि एंटर योर मोबाइल नंबर। तो चलिए इसको भी ऐड कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ से डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है, मैं उसको कुछ नहीं करूँगा। वैलिडेशन यहाँ से फ़ोन ही आ रहा है, और इसके अलावा आपको फ़ोन ही रखना है, क्योंकि इसके अलावा जो फील्ड के रिलेटेड जो कीवर्ड आएगा वही आपको वैलिडेशन में डालना है। तो हमें फ़ोन ही वैलिडेशन करना है, तो मैं यहाँ से फ़ोन ही रहने दूंगा। रिक्वायर्ड आ रहा है कि यानी कि मोबाइल नंबर यूज़र को ये फिल करना ही पड़ेगा, रिक्वायर्ड का मतलब, और ये अनेबल है। इसके बाद इसको मैं सेव एंड क्लोज पर क्लिक करूँगा। तो चलिए अभी करते हैं टेस्टिंग। मैं यहाँ से जाऊँगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि पहले यहाँ से फ़ोन नंबर आ रहा था, मैंने यहाँ से मोबाइल नंबर कर दिया था, और उसके बाद मैंने इसका प्लेस होल्डर था वो चेंज कर दिया। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, यहाँ से आ रहा है एंटर योर मोबाइल नंबर। इस तरह से जितनी भी आपकी एग्जिस्टिंग फील्ड है उसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, कहीं से कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ये आपके ये प्लगइन के ऊपर डिपेंड करता है कितनी फंक्शनैलिटी आप इसके साथ ले सकते हो, जितनी ये प्रोवाइड कर रहा है आप सभी ऑप्शन के साथ खेल सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक ही यहाँ से एडिट करके आपको दिखा दिया, आप अपने हिसाब से किसी भी फील्ड को एडिट कर सकते हो। अभी हम काम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक फील्ड को ऐड करके देखेंगे। तो चलिए इसके बाद में यहाँ से ऐड फील्ड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से जो फील्ड मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रेडियो बटन आ जाए। सो रेडियो बटन का आपको रूल पता होगा कि यूज़र सिर्फ एक ही एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मैं बिलिंग को बिलिंग ही रहने दूंगा समय बचाने के। लेबल भी यहाँ से मैं कुछ भी लिख देता हूँ, बिल लिख देता हूँ। और यहाँ से मैंने इन्होंने बता रखा है कि आप अपने जो ऑप्शन है यहाँ से कोमा दे के सेपरेट कर सकते हो, जैसे कि वन और उसके बाद हम टू दे सकते हैं, ऐसा लिख के दे लिखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। रिक्वायर्ड रखना है रिक्वायर्ड रख सकते हो, क्योंकि मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं इसको रिक्वायर्ड नहीं रखूंगा। अनेबल जरूर करना है। डिस्प्ले इन ईमेल्स इसको चेक रहने देते हैं, और उसके बाद यहाँ से डिस्प्ले इन ऑर्डर डिटेल पेज इसको भी हम चेक रहने देते हैं। ऑप्शन यहाँ से दे रखी है, और यहाँ से आई थिंक हमें ऑप्शन देनी पड़ेगी। तो चलिए ऑप्शन यहाँ से देख के देखते हैं। ऑप्शन वैल्यू यहाँ से वन कर देता हूँ, और ऑप्शन टेक्स्ट यहाँ से लिख देता हूँ, इंग्लिश वाला जो वन होता है वो लिख देते हैं। इसको हम यहाँ से एड ऑन करेंगे, एक और ऑप्शन को हम यहाँ से टू दे देंगे, और जो हमारा टेक्स्ट है उसको इंग्लिश वाला हम टू दे देंगे। इसके बाद मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक करूंगा इसको। सो अब देखो कि लास्ट में मेरी एक फील्ड ऐड हो गई है जिसका टाइप रेडियो है, उसका लेबल जो इसका नेम आ रहा है, बिल आ रहा है, उसमें हमने कुछ फील्ड ऐड की थी, मैंने इसको सेव कर दिया। चलिए अभी सिर्फ हमें टेस्टिंग करनी है, तो इसको मैं यहाँ से जाकर रिफ्रेश करूंगा। तो हमें यहाँ से मिलना चाहिए ऑप्शन, जी हाँ हमें ये ऑप्शन मिल चुका है। आप देख सकते हो यहाँ से लिख भी दिया, अगर मैंने रिक्वायर्ड नहीं किया था ये ऑप्शनल आ रहा है। तो मैं यहाँ से वन करूँगा तो वन पे क्लिक हो जाएगा, टू पे करूँगा तो टू पे हो जाएगा। तो इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हो।
सो चलिए अभी अब दोस्तों हम बात करेंगे, आपने एडिट वाला हमने देख लिया, एड फील्ड का देख लिया। एड फील्ड में और क्या क्या ऑप्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर दोबारा आप एड फील्ड पर क्लिक करोगे तो इसमें आपको टेक्स्ट मिल रहा है, पासवर्ड मिल रहा है, ईमेल मिल रहा है, फोन स्लैट टेक्स एरिया रेडियो मिल रहा है। हमने रेडियो बटन का यूज़ कर लिया। बाकी की फील्ड आप अपने हिसाब से, अगर आपकी रिक्वायरमेंट इन किसी भी एलिमेंट से मैच करती है तो आप इसको ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी ऑप्शन है उस हिसाब से, एलिमेंट के हिसाब से आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप पासवर्ड करते हो तो पासवर्ड के हिसाब से फील्ड आ रही है, अगर मैं टेक्स एरिया करता हूँ तो टेक्स एरिया के हिसाब से यहाँ से फील्ड आ रही है। तो आप समझ गए होंगे एडिट कैसे करना है, ऐड कैसे करना है। इसके बाद मैं बात करूंगा इसके अनदर फीचर के बारे में। और इसका अनदर फीचर क्या, आप इसको ड्रैग कर सकते हो किसी भी फील्ड को। मान लो मुझे यहाँ से कंट्री चाहिए कंपनी के ऊपर, तो मैं कंट्री को इसके ऊपर कर दूंगा। फिलहाल अभी कंट्री कहाँ पे आ रही है सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। तो हमारी जो कंट्री यहाँ पे आ रही है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि कंपनी नीचे चल जाए, कंट्री पहले सेलेक्ट हो, सिर्फ एग्जांपल के लिए कि आपको दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ से कंट्री को कंपनी के ऊपर कर दिया। यहाँ से हम सेव चेंजेस करेंगे, जल्दी से चलेंगे टेस्टिंग वेबसाइट पेज के ऊपर। यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखिए कितनी आसानी से आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कोई कोडिंग नहीं, कोई सीएसएस नहीं, आपकी यहाँ से फील्ड भी ड्रैग एंड ड्रॉप हो रही है। तो इसके अलावा इस प्लगइन के क्या क्या फीचर है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो अगर आपको कोई फील्ड नहीं पसंद आ रही, आप चाहते हो कि मैं टेम्परेरी डिसेबल करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिसेबल कर दूँ। टेम्परेरी डिसेबल का मतलब यहाँ पे है कि टेम्परेरी डिसेबल करेगा। डिलीट का मतलब यानी कि रिमूव का मतलब होगा या परमानेंटली इसको डिलीट कर देगा। मैंने इसको डिसेबल किया, इसको मैंने यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक किया। मैं दोबारा चलूँगा टेस्टिंग के लिए, कम ऑन, यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो आप देखोगे इसने उसकी जगह नहीं यहाँ से उसको हाइड नहीं किया, उसने उसकी विजिबिलिटी हिडन या ओपेसिटी जीरो कह सकते हो सीएसएस की लैंग्वेज में, उसको सिर्फ उसने विजिबिलिटी हिडन कर दिया। हमें वो एलिमेंट सिर्फ डिसेबल हो गया, हाइड नहीं हुआ यानी कि रिमूव नहीं हुआ। तो इसको आप यहाँ से दोबारा ले आ भी सकते हैं, कैसे, इसको अनेबल करके। इसको मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा तो हमारा ये फीचर ऐसे वर्क करता है, डिसेबल और अनेबल का। ये टेम्प्रेरी अगर आपको फील्ड के साथ खेलना है, परमानेंटली इसको डिलीट करना है तो सीधी बात है, इसको आप टिक का मार्क कीजिए, यहाँ से इसको सीधा रिमूव कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बताने के लिए कह रहा हूँ। तो इसके यहाँ से फर्स्ट जो हमारी टैब है उसके मैंने जितने फीचर्स से आपको बता चुका हूँ, अभी बात करेंगे इसकी शिपिंग फील्ड के बारे में। तो ये प्लगइन ऐसा है कि जितने चेकआउट पे फील्ड आ रही है उस सभी को कंट्रोल कर पा रहा है। तो शिपिंग फील्ड कहाँ पे होती है और कैसे इसको एडिट करना है, पहले हम उसकी बात करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में शिपिंग अनेबल है तभी ही आपको इस फॉर्म के बाद शिपिंग वाला फॉर्म देखेगा। मेरे पास शिपिंग अनेबल नहीं है तो मेरे पास शिपिंग का फॉर्म भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपके पास शिपिंग अनेबल है, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जितनी भी शिपिंग के अंदर फील्ड होती है बाय डिफॉल्ट उसको आप एडिट कर पाओगे। जैसे मैंने इस पे किया था बिलिंग वाले में, उसको आप डिलीट कर पाओगे, डिसेबल कर पाओगे, अनेबल कर पाओगे। इसके अलावा आप ऐड भी कर पाओगे। ऐड करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम ही ऑप्शन दिखा रहा है, इतने ही एलिमेंट इसके अंदर भी आपको मिल रहे हैं। तो आप शिपिंग वाली फील्ड भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा हमें क्या मिल रहा है, मैं एडिशन फील्ड के अंदर जाऊँगा। एडिशन फील्ड के अंदर आपको यहाँ से ऑर्डर का जो कमेंट बॉक्स होता है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सेम ऑप्शन है, रिमूव, अनेबल, डिसेबल, और यहाँ से ऐड फील्ड का। ऐड फील्ड भी कितने सारे हैं देखिए, कमेंट के नीचे अगर आपको किसी को और दूसरा नोट देना है अपने हिसाब से वो दे सकते हो। ये कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऑर्डर नोट्स का एक हमें बॉक्स मिल रहा है, और उसका जो ध्यान से देखिए जो प्लेस होल्डर है मुझे यहाँ से भी दिखा रहा है, इसको भी मैं एडिट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप बिलिंग फील्ड को, शिपिंग फील्ड को, इसके अलावा एडिशन फील्ड को ऐड करनी है उस फॉर्म्स के बाद में वहाँ यहाँ से आप कर सकते हो। तो चलिए इसके अलावा मैंने इसकी दो फील्ड को और ओपन किया, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडवांस सेटिंग पे क्या है, एडवांस सेटिंग पे इसके कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि क्लास को ओवरराइड करना या नहीं करना। क्लास का मतलब सीएसएस अगर आप करना चाहते हो वो ओवरराइड करेगा या नहीं करेगा। उसके अलावा इस पे काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन है, अनेबल रिक्वायर्ड वैलिडेशन ओवरराइड फ्रॉम एड्रेस फील्ड। तो ये जितना भी वैलिडेशन है उसको भी ओवरराइड का ऑप्शन करने के दे रहा है। कुछ ऐसे ही ऑप्शन है, आप इसको दे सकते हो। प्रीमियम वर्जन चाहिए तो उसके फीचर ये रहे, आप उसके साथ अच्छे से रीड कीजिए। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा ही है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट फ्री वाले में नहीं कंप्लीट हो रही, प्रीमियम वर्जन में आइए, इसका रीड आउट कीजिए। अगर उसमें प्रीमियम में आपको वो फीचर मिल रहा है जो आपकी रिक्वायरमेंट से मैच करता है तो जरूर प्रीमियम वर्जन के साथ भी जा सकते हो। मुझे लगता है फ्री वाले वर्जन में ही हमें काफी कुछ मिल रहा है। तो होपफुली आपको ये सभी चीजें पसंद आई होंगी कि कैसे चेकआउट फील्ड को हमें एडिट करना था, डिसेबल करना था, एड ऑन करना था, आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है हर एक वीडियो को बनाने में। सो मिलता हूँ किसी ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहे, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।